हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनलाइटेड वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है होल्ड ऑन। आज का टॉपिक जानने से पहले आप सभी बच्चों के लिए एक टास्क है। आप सभी बच्चों के पास 5 सेकंड है और स्क्रीन पे दिए इन 4 शब्दों में आपको कुछ कॉमन चीज ढूंढनी है। आप सभी का टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4 and 5, टाइम्स अप। कुछ होशियार बच्चों ने ये डिफरेंस ढूंढ लिया होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी तक स्क्रीन पर आंखें बड़ी करके देख रहे हैं। उन बच्चों को हम बता दें कि इन 4 शब्द के लास्ट के 4 लेटर रिपीट मोड पर हैं, TION। इंग्लिश में इस सफिक्स को शन कहते हैं। तो आपको जिस भी वर्ड में सफिक्स शन दिखे तो वो किसी की स्टेट, कंडीशन, एक्शन, रिजल्ट और प्रोसेस के बारे में बता रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्शन और रिप्रोडक्शन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन। आज हम इसमें जानेंगे कि क्यों रिप्रोडक्शन हमारे समाज में एक टैबू टॉपिक है। हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम इस टर्म को आपसे फिजिकली, सोशली और मेंटली कनेक्ट कर सकते हैं। और हम साथ साथ ये भी जानेंगे कि कैसे इस टर्म की वजह से हमें हमारी सोसाइटी और समाज का एक नेगेटिव पार्ट देखने को मिला। उसके लिए आपको चलना होगा क्लास 10th के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। तो चलिए चलते हैं जानने रिप्रोडक्शन का असली मतलब। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। रिप्रोडक्शन टर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है, री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू मेक समथिंग। तो रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ टू मेक और प्रोड्यूस समथिंग अगेन एंड अगेन, यानी कि किसी चीज को बार बार बनाना या प्रोड्यूस करना। एग्जाम्पल के तौर पर आपके हाथ में जो डिवाइस है, क्या पूरी मार्केट में ये एक ही कॉपी है? कंपनी ने इसके बहुत सारे मॉडल, हम कहें कॉपी बनाए हैं, और वो कॉपी मल्टीपल यूजर्स के हाथ में है, उनमें से एक यूजर आप हैं। तो यानी कंपनी ने एक मॉडल को बनाया और फिर उसका रिप्रोडक्शन करके उसकी कॉपी बना दी। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए हमें एक बेस एलिमेंट चाहिए। ह्यूमन बींग्स के केस में या ऑर्गेनिजम्स के केस में वो बेस एलिमेंट होता है उनके फादर और मदर या फिर एंसेस्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे एक मेल है और एक फीमेल है। मेल का रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल का रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है एग। जब ये दोनों गैमेट्स कंबाइन करते हैं और फर्टिलाइज करते हैं तो उसके बाद एक न्यू प्रोडक्शन होती है, मार्केट में एक नया ब्रांड आता है जिसे हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग या फिर बेबी। इसे कुछ ऐसे समझिए कि आपके पास चार्जर की केबल है, आपने वो चार्जर की केबल फोन के चार्जिंग स्लॉट में इंसर्ट करी। जैसे ही आपने इंसर्ट करी आप देखेंगे कुछ फोन में चेंजेस आएंगे, आपका फोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा और फिर आप उससे दिन भर कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जब एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन करके फर्टिलाइज करता है तो कुछ नई चीज़ होती है, कुछ नया प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग। लेकिन क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी समय किसी भी एज ग्रुप में कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकता है? जी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? उसके लिए हमें समझना होगा कि हमारी लाइफ में 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, सेकंड फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड फेज होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। आइए इन तीनों फेजों को एक एक करके जानते हैं। द प्री रिप्रोडक्टिव फेज, इस फेज में वो लोग आते हैं जिनका एज ग्रुप 0 to 14 होता है, यानी कि बर्थ से 14 ईयर होती है। इस फेज को जुवेनाइल फेज भी कहते हैं और इस फेज में किसी भी बच्चे की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या फिर सोशल हो। लेकिन इस फेज का मतलब क्या हुआ? प्री रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन से पहले का फेज, यानी कि इस फेज में जितनी भी एज ग्रुप के लोग आते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनके रिप्रोडक्टिव गैमेट्स अभी मैच्योर नहीं हुए, इसलिए वो केपेबल नहीं है इस फेज में रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसके बाद सेकेंड फेज आता है रिप्रोडक्टिव फेज। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो भी एज ग्रुप आएगा वो रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल होगा।
यहाँ पे बेसिकली 15 से 44 तक के एज ग्रुप के लोग आते हैं। इस फेज में आप एक खास बात देखेंगे, हमने पढ़ा है कि गर्ल्स बॉयज से जल्दी मैच्योर होती हैं, तो गर्ल्स 15 ईयर्स से मैच्योर होना शुरू हो जाती हैं, जिस एज को हम प्यूबर्टी एज भी कहते हैं, और बॉयज की जो एज ग्रुप है वो थोड़ा धीरे यानी कि थोड़ा स्लो मैच्योरिटी लेवल में आता है। तो यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में गर्ल्स के जो एग्स हैं वो जल्दी मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। अब आप इस चीज़ को सोसाइटी से कनेक्ट कीजिएगा। हमारी सोसाइटी में लोगों को पता था कि गर्ल्स जो हैं जल्दी मैच्योर होती हैं, गर्ल्स जो हैं उनकी मैच्योरिटी में यानी कि उनके एग्स जो हैं जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, इसीलिए हमारे समाज में बाल विवाह, बालिका वधु जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस थी। बस ये सोचकर कि गर्ल्स बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, वो मैच्योरिटी यहाँ पे फिजिकल नहीं है, मेंटल नहीं है। आप कह सकते हैं कि 15 साल की जो एक बच्ची है उसका सिर्फ एग मैच्योर होना शुरू हुआ है। तो समाज में ये चीज़ पता थी, इसलिए यहाँ पे बालिका वधु जैसी बहुत बुरी चीज़ को प्रमोट किया गया। बाद में ये सारी चीज़ें एबॉलिश हो गई, लेकिन भारत के अभी भी कुछ कोनों में ये चीज़ मान्य है। इसके बाद आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। अब ये ऐसा फेज है जहाँ पे हमारी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज पे एक पॉज लग जाता है, यानी कि 45 और उससे अबव का जो एज ग्रुप है वो इस फेज में लाया करता है। इस फेज में एक टर्म आती है मेनोपॉज। आप इसको इजी करने के लिए ऐसे समझिए, पॉज का मतलब होता है रुकना, और मेनो को आप कनेक्ट कीजिए ऑर्गेनिज्म से या फिर प्रोडक्शन से। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन का रुकना कहलाता है मेनोपॉज। इस फेज में मेनली ये होता है कि मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो कि हमारी स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्लाइन होता है और साथ ही साथ हमारे अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन कम होती है। इसी के ठीक ऑपोजिट फीमेल में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन भी इस एज स्लॉट में कम होना शुरू होता है। जैसे जैसे कम हुआ वैसे वैसे उनके अंदर जो एग हैं वो बनना कम हुए, और एक लेवल पे सैचुरेशन लेवल आता है जहाँ पे हम बिल्कुल भी केपेबल नहीं होते इस एज ग्रुप में रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये तीन फेज थे हमारी लाइफ की जर्नी का एक छोटा सा रिकैप। तो अब हम करेंगे आपसे मजे की बात। मजे की बात में सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये है कि क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसा प्लांट है जो सिर्फ एक ही बार पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन कर सकता है। जी हाँ, वो प्लांट है बनाना, केले का प्लांट। केले का प्लांट अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद वो एक नया प्रोसेस फॉलो करता है जिसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। मजे की बात में फैक्ट नंबर 2 है कि क्या आप जानते हैं इस अर्थ पर 4 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन करते ही मर जाते हैं। जी हाँ, जस्ट आफ्टर रिप्रोडक्शन वो मर जाते हैं। सोचिए, वो 4 ऑर्गेनिज्म हैं ऑक्टोपस, स्क्विड, सैल्मन और कॉमन मेफ्लाई। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपने जानना है तो आपको हमारा कमेंट सेक्शन का फर्स्ट कमेंट चेक करना होगा, आपको अपने सवालों का जवाब वहां मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।